Hello friends, my name is Dr. Deepak Rathor and I am a plastic surgeon working in Delhi NCR. गायनेकोमेस्टिया किसको होता है? गायनेकोमेस्टिया में यूजली तीन ट्राईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है. इसका क्या मतलब है ट्राईमोडल का? एक ये होता है नियोनेट्स में, यानी कि जिनकी उम्र 0 से 1 साल है. ये वो बच्चे हैं जिनमें मदर के मिल्क के थ्रू एस्ट्रोजन आ रहा है, इस वजह से उनको टेम्पररी हाइपरप्लेजिया हो रहा है. और एक टेम्पररी गायनेकोमेस्टिया अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है. ये अपने आप ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है. धीरे धीरे ये गायनेकोमेस्टिया सेटल हो जाता है. सेकेंड एज ग्रुप इज 12 से 18 साल. ये वो बच्चे हैं जो कि एडोलेसेंस में हैं, जिनमें हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं. कभी एस्ट्रोजन बढ़ता है, कभी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है. इस कारण से इन बच्चों में भी 12 से 18 साल के बीच में आपको एक टेम्पररी गायनेकोमेस्टिया देखने को मिल सकता है. अगर तो ये साल दो साल में रिजॉल्व हो जाता है खुद से, तो ये ठीक हो जाता है. अगर साल से दो साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर ये गायनेकोमेस्टिया रिजॉल्व नहीं होता और इसका ट्रीटमेंट सर्जिकली कराना पड़ता है. इन बच्चों में मेडिकल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन एडोलेसेंस में ऊपर नीचे होते ही हैं और ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं. थर्ड एज इज मोर देन 40 ईयर्स. ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें फैट बढ़ जाता है. फैट बढ़ने से क्या होता है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे. ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें ओबेसिटी की वजह से ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ रहा है और उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है. नाउ हाउ डज दैट हैपन? जिन लोगों में फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो रखा है, उस फैट से एरोमेटेज एंजाइम निकलता है. अब ये जो एरोमेटेज एंजाइम है, ये बॉडी के नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और आपको गायनेकोमेस्टिया हो जाता है. इसकी वजह से फिर से फैट बढ़ता है और ज़्यादा एरोमेटेज निकलता है, फिर से टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन और कम हो जाता है, एस्ट्रोजन फिर बढ़ जाता है, आपको और गायनेकोमेस्टिया हो जाता है. ये एक कॉन्स्टेंट साइकिल है जिससे कि गायनेकोमेस्टिया बढ़ता ही चला जाता है. ये जो साइकिल है यही रिस्पॉन्सिबल है मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन में, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए ये फैट और ग्लैंड निकालना पड़ता है. सो नाउ जब हमने ये जान लिया है कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के इम्बैलेंस की वजह से हमको गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, तो ये सवाल आता है क्या हर पेशेंट को हार्मोन एनालिसिस कराना है या नहीं, इज इट रिक्वायर्ड और इज इट नॉट रिक्वायर्ड. तो जिन पेशेंट्स में हमको लग रहा है कि किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, वहाँ हार्मोन एनालिसिस कराना चाहिए. या जिन पेशेंट को सिर्फ सूडो गायनेकोमेस्टिया है, उन पेशेंट्स में इसकी ज़रूरत नहीं है. जो भी पेशेंट 40 साल से ज़्यादा हैं, 45 साल से ज़्यादा हैं, उन पेशेंट्स में हार्मोन एनालिसिस होना चाहिए. यंग पेशेंट्स में हार्मोन एनालिसिस हम छोड़ सकते हैं.